शहर के मामू हमारे साथ मौजूद हैं, एहतजाज भी इन लोगों की जानिब से किया गया, उसके अलावा पुलिस वगैरह में भी दरख्वास्त जो है वो दी गई, वो भी साथ है। उस दिन आप कहाँ पे थे जब ये वाकया हुआ? क्या आपको फ़ोन किया था? यहीं पर रहते हैं घर में थे सर, लेट घर में ये आई रोती रोती, इसकी मम्मी इसका पापा तो बोल रहे थे अच्छा से शहर को कोई लड़का पकड़ के ले गया उधर, तो हम भाग के गए उधर, देखते रहे ढूंढते रहे नहीं वो नजर आया कहीं, वो मार्केट में गए, मार्केट वालों ने बोला हम अभी आए हैं, अभी दुकानें उतारी अभी नहीं थी हम, ठीक है। वो मैंने देखा गली पे कहीं कैमरा लगा हुआ था, कैमरे की तरफ मैंने भाई को देखा, भाई यार इधर वाकया हुआ है वो तस्वीर निकाल, उन्होंने कहा भाई मुझे नहीं जा, वो भाई इस्लामाबाद गया होगा किसी को जा जाकर ले गया, ये भाई ने निकाली। फिर सारी कैमरे की रिकॉर्डिंग निकाली, रिकॉर्डिंग निकलाई, फिर इसको घर गए, उसको पकड़ने गए, वो छत के ऊपर से भाग गया, उसका भाई नीचे खड़ा था, मैंने उसको चूर के ले आया इधर। आप फिर उसके भाई को ले आए? तो भाई को इधर ले आए, फिर उसके बाद फिर वो उसके चाचू को भी पकड़ा है, ताए को भी पकड़ा है, दूसरे भाई को भी पकड़ा है, फिर उसने उसको पेश कराया। अच्छा, फिर पुलिस को भी इतला दी? हाँ जी, पुलिस को भी इतला दी, पुलिस हमारे साथ गई थी। पुलिस आप पहले आपके साथ गई या बाद में? बाद में गई, पहले उसको ले आए थे उसके भाई को, बाद में गई पुलिस हमारे साथ, पुलिस ने कोऑपरेट किया। हाँ जी, आप उनकी आपके साथ? हाँ जी। फिर एहतजाज क्यों किया था? एहतजाज इसलिए किया था, वो 11 बजे की तरफ उधर 1 बजे खड़े हुए, शाम की तान हो गई है, वो सुन नहीं रहे, बाद में उसने। मगरिब तक आप लोग वहीं? मगरिब तक उतरे। वाकया कितने बजे का? वाकया है तकरीबन 12 बजे, 11-12 बजे का, 11-12 बजे ये वाकया है। आप 1 बजे तक थाने गए तो शाम तक उसने बाद में सुनी, फिर बाद में बात पुलिस वालों ने बाद में बात सुनी। कौन था पुलिस वाला? इधर सारे से पुलिस वाले कितने हैं, एक थोड़े हैं, सारे पूरा थाना है उधर, बाद में तावन किया उसने जब एहतजाज किया, फिर हाँ जी अगा लाती है। कौन सा रोड ब्लॉक किया? ये वाला शेखावर रोड। शेखावर रोड ब्लॉक कर दिया हमने। सारा मोहल्ला था आपके साथ? हाँ जी, सारा मोहल्ला हमारे साथ। आपको ये पता था कि एहतजाज करेंगे तो बात सुनी जाएगी? हाँ जी बिल्कुल। तो ये जो लड़का है इसको कैसे पहचाना, किसने पहचाना? वो मेरा भांजा, कैमरे में हमने पहचाना उसको, इधर देखते मदीना चौक हम ढूंढते रहते, उधर देखते रहता है इसको, उधर खड़ा रहता है, हमने देखा ये तो लड़का मुझे जानता है, इसके घर का भी हमें पता है। मुतमईन आप पकड़ा गया वो बंदा? हाँ जी पकड़ा गया, हमने देख के आए उसे ठाने। नाज़रीन, इस वक्त हम शेखाबाद के खोखर रोड पर मौजूद हैं और इस जगह पर वाकया पेश आया, बच्ची को बहला फुसला के ज्यादती की नीयत से जो है वो एक शख्स लेके गया और वहाँ पर बच्ची के शोर मचाने पर साथ दुकान वालों ने जो है वो उसको आके बचाया, बल्कि उसको ये डर महसूस हुआ कि दुकान वाले उसको देख लेंगे, और एक कॉमन बाथरूम है जहाँ पर उसको ले जाया गया। इस किस्म के वाकयात जो है वो लाहौर शहर में और गिर्दोनवा में कुछ ज्यादा ही बढ़ते चले जा रहे हैं। हवस के पुजारी जो है वो मासूम कलियों को मसलने की नीयत से इस किस्म के इकदाम करते हैं। अब बहरहाल मुलजिम जी भी जो है वो पकड़ा गया है और यहाँ पर अहलियाने मोहल्ला मौजूद है, उसके बाद फैमिली की जानिब रुख करेंगे। आप बताएंगे ये क्या वाकया हुआ, किस तरह से हुआ? ये बिल्कुल इसी तरह से वाकया हुआ कि उसको सुला कर लेकर गए हैं और घर वाले ढूंढते रहे हैं, तो उसके लड़की के मामू और उसके पापा उसको ढूंढते उधर गए हैं वो मार्केट में, तो जब वो लड़की ने शोर मचाया तो वो भाग गया और लड़की को साथ लेकर इधर आ गया, ठीक है। फिर उन्होंने सीसीटीवी फुटेज निकाली, उधर उसको पता लगा भी ये लड़का है। फिर ये आदि मुजरिम है पहले? जी बिल्कुल, ये पहले भी इसके एक थाना शादबाग, एक थाना दामी बाग में इसका ये केस नुमा हुआ था,
जिसमें ये पहले करने सबूत ना होने की वजह से जो पैसे लेन देन करके ये छूट गया था। जिसकी वजह से फिर हुआ ये थाना दामबाग एएसए और उसके भाई जो मुलजम का भाई था जो पकड़ा था उसका बयान है और उसके घर वालों का ये बयान है। पहले भी उस पर इस किस्म का जो है वो पर्चा हुआ हुआ है। लड़का नहीं कहना चाहिए, उसको दरिंदा कहना चाहिए। उसका शोक मनाया जा रहा है, उसकी माँ रो रो के पागल हो रही है, वो मासूम बच्ची रो रही है। उसके आंसुओं का एक एक हिसाब हम लेंगे उससे। जो जैनब के कातिल का हाल हुआ है उसका वो होना चाहिए। पूरा मोहल्ला इनकी गम में शरीक, पूरा मोहल्ला उसके गम में शरीक है और हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप लोग थे इत्तेजाज जो किया था? जी हम सब मौजूद। पहले तो 12 बजे इनके मुताबिक के थाने गए लेकिन इनकी कोई सुनी नहीं गई। उसके बाद इन लोगों ने इत्तेजाज किया और ये शेख रोड जो है उसको ब्लॉक किया, तो फिर मगरिब के करीब जाके FIR हुई ऐसी। जी थाने भी गए? जी हम गए थे। साथ साथ रहे? साथ साथ। आप समझते हैं कि इनकी बच्ची के साथ जो ज्यादा कोशिश है कल को किसी के साथ भी हो सकती है? किसी के साथ भी हो सकती है। हम भी बेटियों वाले हैं तो भाई हम यही चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले। अगर आप इंसाफ नहीं भी देंगे ना तो हम इंसाफ करेंगे। ये आप लिख लें, उसको छोड़ेंगे तो हम खुद कत्ल करेंगे। ये हम वाजिब है, हम करेंगे। शदीद गुस्सा? हाँ जी गुस्सा है। वो उनकी उनका पता नहीं कौन सा दिया नेकी उनके काम आ गई कि उसको उधर ले गए। अगर इधर लेकर आते हैं ना इधर उसको कत्ल कर देना। ये क्या बात, हम बेटी उसने मारने वाली कोई कसर नहीं छोड़ी उस दरिंदे ने, तो ये किस बात का इंतजार कर रहे हैं? नहीं बस ठीक है, इंसाफ होना चाहिए। इस बच्ची के साथ हमारी बच्चियां भी ऐसे फिरती हैं क्योंकि ये भी हमारी अपनी बच्ची है, मोहल्ले की बच्ची है, ये हमारी अपनी बच्ची है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जितना भी हो सके बढ़ चढ़ के इस दरिंदे को इस जानवर को ज्यादा से ज्यादा दिलवाए, आपकी बड़ी मेहरबानी। बस आप भी यहीं पे रहते हैं? हाँ जी मैं भी जैम पे रहती हूँ। उसको सुना सजा होनी चाहिए क्योंकि सबकी बच्ची है, आज साड़ी बच्ची ना होगी कल होर किसी भी बच्ची नाल होएगी। इस तरह तो वो सब कुछ करेगा क्योंकि पहले भी आते थे दो ने, उन्हें पहले छोड़ दिया फिर वो हो गया, हूँ यह तीसरा है। नाज़रीन ये अहलियाने मोहल्ला हैं कि जिनका ये मुतालबा है, जो कि साथ थे उस एहतजाज में भी जब किया गया और एहतजाज करने के बाद ही FIR जो है वो दर्ज की गई मुलजिम पर, और मुलजिम को पकड़वाया भी इन लोगों ने, इन मोहल्ले वालों ने, और उसके बाद उसको जो है वो ज्याती सेल में शिफ्ट कर दिया गया शाहदरा में। और इस कदर शदीद गुस्सा है उस हवाले से कि अगर वो यहाँ पर होता तो ये इंतकाम खुद लेते। ज़ाहिर है कि ये बेटियाँ जो यहाँ पर बहुत सी नज़र आ रही हैं, ये बच्चे फूल जैसे, ये किसी की ज्यादती के लिए नहीं बने, और किसी दरिंदे का दिल चाहे वो इनको मसल दे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। और हमारे मुआशरे में खसूसन इस किस्म के अनासिर की सरकूबी होनी चाहिए और उनका कला कमा होना चाहिए और कानून को भी इंसाफ करना चाहिए, और यकीनन इंसाफ होगा। नाज़रीन गुज़िश्ता 5 सालों में 17,000 के करीब ज्यादती के वाकयात पेश आ चुके हैं। कसूर में ज़ैनब के कत्ल के मामले ने लोगों में तशवीश पैदा कर रखी है और आए दिन बच्चों के साथ जिस्मानी तशद्दुद और जिंसी ज्यादती और बच्चों का इस्तेहसाल रोजमर्रा का मामूल बन चुका है। वालदैन और मुआशरे के दीगर अफराद इस वक्त ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर बच्चों के कातिलों
और जिनसी इस्तेहसाल करने वालों को सजा कब मिलेगी, इंसाफ कब मिलेगा? अगर इंसाफ मिला होता तो आज यकीनन तमाम बच्चे महफूज होते। ये तो इंसाफ फराहम करने वाले इदारों का काम है, लेकिन वालदैन की जिम्मेदारी ये बनती है कि बच्चों को इस हवाले से एजुकेट करें और उनको कहीं भी अकेला जाने मत दें। प्रोग्राम जुर्म अंजाम की पूरी टीम के साथ अपने मेजबान तारिक हफीज को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने की बात।